और अब आपको सीधे लिए चलते हैं फिरोजाबाद, जहां योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं, निशान बना रहे हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश अपने साफ और सेफ सिटी के लिए जाना जाता है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आम नागरिकों को भयभीत करते थे। आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये नया उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसमें स्मार्ट सिटी भी है, सेफ सिटी भी है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, सिटी सर्विलांस सेंटर के माध्यम से न केवल स्वच्छता के कार्यक्रम को, ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ वहां की स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी नियंत्रित किया जाता है। याद करिए, कोरोना कालखंड में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ही काम किया था। 2 वर्ष पहले जन्माष्टमी के दिन में आया था फिरोजाबाद में, तब डेंगू का कहर था, लोग जन्माष्टमी का उल्लास मना रहे थे, तब मैं फिरोजाबाद में घूम रहा था यहाँ की गलियों में, और यहाँ के सांसद विधायक महापौर के साथ यहाँ की गलियों में देख रहा था कि इस डेंगू को रोकना है, कंट्रोल करना है, और इसको यहाँ की टीम ने कंट्रोल भी कर दिया था। भाइयों बहनों, आज हमारी पहचान एक नए सिरे से देश और दुनिया सम्मान कर रही है। अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। ये 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, करोड़ों नौजवानों को रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी, और उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। Z News.